गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं गुलाब सिंह राजपूत और आज आप लोगों के बीच पुनः एक बार हम लोग पांचवा असाइनमेंट लेकर के आए हैं 12वीं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का। जी हां, माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट लिखे जाते हैं, अपने वेबसाइट पर डाले जाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का असाइनमेंट किसी के द्वारा नहीं लिखा जाता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे साईं एग्रीकल्चर स्कूल के द्वारा लिखा जाता है, जिसे पूरे छत्तीसगढ़ के एग्रीकल्चर के टीचर्स और स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश का ये देखिए आपके सामने जो असाइनमेंट है, इंग्लिश असाइनमेंट, हिंदी असाइनमेंट, ये तो आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री, पीसीएमबी और क्रॉप प्रोडक्शन का असाइनमेंट नहीं मिल पाएगा। तो चलिए आज इसके क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को मैं आज विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले हम निकालते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इस बार का है, श्रीखंड बनाने की विधि को क्रमदर्शी आरेख के साथ समझाइए। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ श्रीखंड मेकिंग विद फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। इसमें आप लोगों को मिलते हैं 4 नंबर। दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है, डिफाइन आइसक्रीम एंड इट्स कंपोजिशन एंड एक्सप्लेन देयर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इट्स क्वालिटी। आइसक्रीम को परिभाषित करके उसके संगठन और उसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। ये जो है दूसरा क्वेश्चन है, इसमें मिलते हैं आपको 4 नंबर। तीसरा क्वेश्चन जो है पशुपालन का, राइट साइंटिफिक नेम एंड डिटेल ऑफ एनी 5 फिश विथ लेबल्ड डायग्राम। किन्हीं 5 मछलियों का वैज्ञानिक नाम एवं उनका वर्णन कीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, मछलियों के आहार को उदाहरण सहित आहार श्रृंखला को समझाइए। एक्सप्लेन द फूड मटेरियल फॉर फिशेस एंड फूड साइकिल विथ एग्जाम्पल। ये हमारा 4th क्वेश्चन है। और 5वां क्वेश्चन है, मछली पालन की तकनीक को समझाइए। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ फिश फार्मिंग। ये जो है हमारे एनिमल हस्बेंड्री के 5वां असाइनमेंट है, जनवरी माह का असाइनमेंट है। आगे हम चलते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बाद फसल उत्पादन की ओर, क्रॉप प्रोडक्शन जिसे बोला जाता है। फसल उत्पादन में ये जो हमारे क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, 5वां असाइनमेंट फसल उत्पादन का जो है, पहला क्वेश्चन, राइट द नोट्स ऑन गिवन टॉपिक। निम्न दिए गए विषय वस्तु पर टिप्पणी कीजिए। पहला दिया हुआ है बोनसाई, बौनाकरण या बोनसाई। दूसरा टॉपिक दिया है टापियरी। तीसरा दिया है परगोला। चौथा दिया है गमला स्थल। 5वां दिया है सेल उद्यान। यदि मैं इसको इंग्लिश में बात करूँ, पहला दिया है बोनसाई, दूसरा दिया है टापियरी, तीसरा दिया है परगोला, चौथा दिया है पोर्ट हाउस, 5वां दिया है रॉक गार्डन और रॉकरी। तो ये टॉपिक के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, जिसमें हमें मिलते हैं 4 नंबर। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, हरियाली को समझाइए तथा उसे लगाने की विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब लॉन एंड देयर मेथड्स ऑफ ग्रास प्लांटिंग। फसल उत्पादन का तीसरा क्वेश्चन है, गुलाब के प्रसारण विधियों को समझाइए। डिस्क्राइब द प्रोपागेशन मेथड्स ऑफ रोज। चौथे क्वेश्चन आज के हैं, गृह वाटिका को समझाइए तथा उनके महत्व का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन किचन गार्डन विथ राइट देयर इम्पोर्टेंस। और फसल उत्पादन के जो हमारे जनवरी माह के 5वें क्वेश्चन हैं, पौध प्रसारण एवं उनके प्रकारों को टेबल के माध्यम से समझाइए। डिफाइन प्लांट प्रोपोगेशन एंड देयर टाइप्स बाय द हेल्प ऑफ टेबल। जी हाँ, ये हमारे असाइनमेंट जनवरी माह के फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन के हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं कृषि विज्ञान की तरफ, एलिमेंट ऑफ साइंस की तरफ, जिसे शॉर्ट में पीसीएमबी कहा जाता है। ये जो कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित है, इस असाइनमेंट, इसके 5वें असाइनमेंट की ओर हम लोग चलते हैं। इसका जो है 5वां जो क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहला नंबर पे जो क्वेश्चन है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में अंतर लिखिए।
ये जो हमारे क्वेश्चन हैं, कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में अंतर। दूसरा क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, डिफाइन विथ एग्जांपल्स। तीसरे क्वेश्चन है, संरचना सूत्र से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए तथा दिए गए यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। पहला एथिलीन, दूसरा एथाइल एल्कोहल, तीसरा यूरिया, तीनों का संरचना सूत्र हमें लिखना है। चौथा क्वेश्चन जो है, गोबर गैस को विस्तार पूर्वक समझाइए। डिस्क्राइब गोबर गैस, जिसे हम बायोगैस के नाम से भी जाना जाते हैं, इनका डिटेल्स लिखना है। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाइड्रोकार्बन तथा उसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। डिफाइन हाइड्रोकार्बन एंड देयर टाइप्स विथ एग्जांपल्स। तो ये आज के थे हमारे सभी सब्जेक्ट के पांच क्वेश्चन, जिसे हमें अच्छे से तैयारी करके बनाना है। बच्चों, यदि आप लोगों को इसका आंसर नहीं मिल पाता है तो आप लोग मेरे जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप में भी आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड भी कर दूंगा, जिससे आप लोगों का जनवरी माह का असाइनमेंट कंप्लीट तैयार हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। और इसके बाद एक असाइनमेंट और बनेगा लास्ट फरवरी माह का, और उसके बाद आप लोगों का टाइम टेबल भी, एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी आ चुका है, जो हमारा 3 मई से लेकर के 15-20 मई तक का कंप्लीट होना है। तो इस बीच में हमें पूरी तैयारी के साथ अपना 12वीं का तैयारी करना है, और आने वाले समय पे 12वीं में कितना सब्जेक्ट का, कौन कौन सा सब्जेक्ट का कितना कितना क्वेश्चन आना है चैप्टर वाइज, वो सारा चीज़ आप लोगों को मैं डिटेल से यूट्यूब के माध्यम से ज़रूर समझाऊँगा। तो आप लोग मेरे साथ YouTube में लगातार बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप सभी का भविष्य उज्जवल हो।